यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, आज के इस वाले वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले जो आप अभी तक आपको पता ही नहीं थी। तो गाइस यार, जल्दी से आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना। गाइस तो मैं आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक आदमी जो अमेरिका से इंडिया आ रहा था, एंड वो जो प्लेन में बैठा था, वो प्लेन में कुछ खामी आने के कारण वो प्लेन क्रैश हो जाता है। एंड वो प्लेन में इतने सारे लोग थे और उसमें से सिर्फ 10 ही लोग बचते हैं, और वो 10 लोग में से एक आदमी ये था। तो जल्दी से चेकअप करने के बाद सबको पता चला कि ये आदमी जिंदा है, तो जल्दी से इनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल में डॉक्टर इनकी पूरी की पूरी शरीर की ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद इनको पता चलता है कि ये आदमी कभी अभी चल ही नहीं सकता, और ना ही कुछ बोल सकता है, और ना ही कुछ खा या फिर कुछ पी सकता है। और यह जानकारी उस आदमी को पता चलते है, वो आदमी थोड़ा सा घबराता है, और घबरा के वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं पूरा ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ। इस आदमी की यह बात सुनकर डॉक्टर भी थोड़ा घबरा है, और डॉक्टर ने फिर से वो बात दोहराई जो उनको मालूम पड़ी थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो आदमी अपने शरीर पर मक्कम रहा और उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और गाइस यार, ऐसा ही हुआ। उनके एक हफ्ते बाद वो आदमी खा सकता है, पी सकता है, और अपनी मर्जी से चल सकता था, दौड़ सकता था, अपनी मर्जी से कुछ भी अपने शरीर को हिला सकता था। यह देख के वो सारे डॉक्टर को शौक लगा, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि ट्रीटमेंट में भी यह दिखा दिया कि वो आदमी अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो गाइस यार, ये पूरे की पूरी पावर है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मक्कम रखे तो आप जो भी चाहोगे वही पाओगे। तो गाइस यार, ऐसा उस आदमी के साथ कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। ऐसा होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है उस आदमी का सबकॉन्शियस माइंड, जो कि अभी तक उसने 2 हफ्ते तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश भेजा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और गाइस यार, उसके सबकॉन्शियस माइंड के उसका प्रतिचार उनको दिया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, और वो आदमी ठीक हो गया। तो गाइस यार, सबकॉन्शियस माइंड की पावर हर फील्ड में एप्लीकेबल होती है, बस देरी है तो उनको पहचानने की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपने गोल की। हर आदमी अपना गोल अलग अलग लेके बैठा होता है, और उसका अपने ऊपर विश्वास है कि मैं गोल को जरूर से कंप्लीट करूँगा। लेकिन गाइस यार, एंड तक पहुँचते पहुँचते वो अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों, तो उसकी बात करते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि वो अपना गोल तो लेके बैठा है, लेकिन वो उस गोल को कभी उसने विजुअलाइज ही नहीं किया है। गाइस यार, अपने गोल को विजुअलाइज करने की मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आप जिस जगह दररोज काम करते हो, वो टेबल पर या फिर वो ऑफिस के सामने आप अपने गोल की तस्वीर को चिपका दो, और डेली उस तस्वीर को देख के अपने मन में विजुअलाइज करो कि वो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है। और गाइस यार, यकीन मानो, आपको ज़रूर से प्राप्त हो जाएगी। एंड गाइस यार, अपने गोल को मक्कम रखें। अगर आप अपने गोल को चेंज करते रहेंगे तो ये चीज़ कभी भी वर्क नहीं करेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, और ये चीज़ आपको वर्क करने की बंद कर देगी। तो गाइस यार, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को दुगनी करने के लिए मैं आपको एक गेम दिखाता हूँ। आप जब शाम को सोते हो, तब एक छोटी सी पर्ची पर, पेपर की पर्ची पर आपका जो गोल है उसको लिख दो, और पानी से भरे ग्लास के नीचे उस पर्ची को रख दो, और सब जब आप सुबह उठते हो तो उस पर्ची को अपने हाथ में रख के वो धीरे धीरे पढ़ो, और वो पानी का ग्लास धीरे धीरे पियो, और अपने मन में वो विजुलाइज करो कि वो जो चीज़ आपने उस पर्ची पर लिखी है वो आपको प्राप्त हो रही है। यह ट्रिक करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर दुगनी हो जाएगी, और वो चीज़ जो आपने पर्ची पर लिखी है वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप अपना घर, बंगला, जायदाद, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो गाइस यार, ये चीज़ को कोई मैजिक ट्रिक मत समझना, यह है यूनिवर्सल पावर, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से हमेशा जुड़ा रहता है। और आप जो चीज़ सोचते हो वो सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल पावर को भेजता है, और यूनिवर्सल पावर वो जिस चीज़ जो आपको चाहिए उसको ढूंढने में लग जाता है, और जल्दी से आपके पास पहुँचाने के लिए वो प्रयत्न करता है। एक बुक जो है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो गाइस यार, ये बुक को आप कहीं से भी ढूंढो, और ज़्यादा के ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अभी के नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो गाइस यार, अगर जो काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली और कुछ नया जानने को मिला है, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक Because goodbye.